दिल से निकलेगी ना मरकर भी वतन की उल्फत, मेरी मिट्टी से भी खुशबूए वफा आएगी। इंडियन आर्मी यानी हमारी भारतीय सेना, जिसकी वीरता की जितनी तारीफ की जाए कम है। इतिहास के पन्नों को पलटने पर हमें इन जवानों के शौर्य और वीरता की अनगिनत कहानियां सुनने को मिलती हैं। हर साल 15 जनवरी को ये दिन विशेष तौर पर हमारे भारतीय सैनिकों के लिए मनाया जाता है। नाम दिया गया है आर्मी डे। पूरा देश आज 76वां आर्मी डे मना रहा है और इस खास दिन का आयोजन यूपी की राजधानी लखनऊ में हो रहा है, जहां रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद हैं। आइए आपको इस खास कार्यक्रम की झलकियों को दिखाते हैं। इस मौके पर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने लखनऊ में इस खास दिन के आयोजन के पीछे का कारण बताते हुए कहा कि लखनऊ हमारे स्वतंत्रता संग्राम में अपने प्राणों की आहुति देने वाले वीरों की वीरता की कहानियों से भरा हुआ है। इसके अलावा दिल्ली के बाहर सेना दिवस आयोजित करने का एक और उद्देश्य ये है कि उस क्षेत्र के लोगों से बेहतर तरीके से जुड़ा जा सके। सेना ने हमारी देशवासियों के दिलों में एक खास जगह बनाई है। लोगों का बेजोड़ प्रोत्साहन और सेना पर उनका भरोसा हमारे संकल्प को और हमारी प्रतिबद्धता को और भी मजबूत करता है। एक और उद्देश्य यह है कि इस तरह आर्मी डे को दिल्ली से बाहर आयोजन करके हम उस इलाके के नागरिकों से, लोगों से और अच्छी तरह जुड़े। आज 76वां सेना दिवस मनाया जा रहा है और ये लगातार दूसरी बार होगा जब आर्मी डे का आयोजन देश की राजधानी दिल्ली से बाहर हो रहा हो। इससे पहले 2023 में यह आयोजन बेंगलुरु के गोविंद स्वामी परेड ग्राउंड में आयोजित किया गया था। आज लखनऊ में मनाए जा रहे सेना दिवस के दौरान सूर्य खेल परिसर में परेड के बाद मार्शल आर्ट के अलग अलग शौर्य, सुखोई और किरण विमानों का फ्लाइंग पास्ट, साय प्रदर्शन के बाद शाम में शौर्य संध्या का आयोजन भी किया जाएगा। इंडियन आर्मी यानी हमारी भारतीय सेना जब देश गुलाम था तभी बन गई थी। भारतीय सेना की शुरुआत 1 अप्रैल 1895 में हुई थी, लेकिन तब हम अंग्रेजों के गुलाम थे। भारतीय सेना की शुरुआत ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना से हुई थी, जिसे बाद में ब्रिटिश भारतीय सेना के नाम से जाना गया। आखिरकार स्वतंत्रता के बाद इसे राष्ट्रीय सेना के रूप में जाना जाने लगा। आजादी से पहले हमारे पास खुद का सेना प्रमुख नहीं था। तब सेना प्रमुख ब्रिटिश कमांडर ऑफ जनरल फ्रांसिस बूचर थे, पर आजादी के 2 साल बाद 15 जनवरी 1949 को हमें हमारा पहला भारतीय सेना प्रमुख मिला था। मैं जानती हूं कि आपके मन में सवाल होगा कि आखिर हमारी सेना 15 जनवरी के दिन ही हर साल सेना दिवस क्यों मनाती है। चलिए आपको इसका जवाब भी दिए देते हैं। दरअसल जैसा पहले बताया गया है कि भारत ने लगभग 200 साल के ब्रिटिश शासन के बाद 15 अगस्त 1947 को आजादी पाई थी। उस समय देश सांप्रदायिक दंगों से गुजर रहा था। शरणार्थी पाकिस्तान आ रहे थे तो यहां से कुछ लोग पाकिस्तान जा रहे थे। इस तरह के अराजकतापूर्ण माहौल के कारण कई एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स उभरने लगी थी। तब सेना को इस पूरे हालात पर काबू करने के लिए आगे आना पड़ा, ताकि विभाजन के दौरान शांति को बनाया जा सके। इसके बाद एक तारीख चुनी गई, 15 जनवरी। बाद में इसी रोज फील्ड मार्शल करियप्पा पहले सेना प्रमुख बने थे, इसलिए तारीख बाद के दिनों में और भी खास हो गई। आजादी के बाद स्वतंत्र भारत का निर्माण करते समय यह बहुत जरूरी था कि देश की रक्षा का दायित्व उसी के वीर सुपुत्रों को सौंपा जाए। यही वजह थी कि 15 जनवरी 1949 को फील्ड मार्शल के.एम. करियप्पा भारत के पहले स्वतंत्र सेना प्रमुख बने। इसलिए इस ऐतिहासिक क्षण को सम्मानित करने और भारतीय सेना के जज्बे को सलाम करने के लिए हर साल 15 जनवरी को सेना दिवस मनाया जाता है। इस खास दिन देश भर के सभी आर्मी हेडक्वार्टर्स और राष्ट्रीय राजधानी यानी दिल्ली में सेना परेड का आयोजन किया जाता है, पर 2 बारी से यह आयोजन बाहर हो रहा है। ये परेड सैनिकों के अनुशासन, शौर्य और देशभक्ति का शानदार प्रदर्शन होता है। इस कार्यक्रम के दौरान भारतीय सेना प्रमुख परेड की सलामी लेते हैं, जो एक सम्मानजनक परंपरा है। इसके अलावा अलग अलग सैन्य प्रदर्शन होते हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं और रक्षा उपकरणों का प्रदर्शन भी किया जाता है। ये दिन हमें याद दिलाता है कि कैसे
1949 में फील्ड मार्शल के एम करियप्पा भारत के पहले स्वतंत्रता सेना प्रमुख बने, जिससे एक नए युग की शुरुआत हुई थी। सेना दिवस सभी सेना कमान मुख्यालयों में मनाया जा रहा होता है। इस दिन भारतीय सेना के उन सैनिकों को भी सम्मानित किया जाता है जिन्होंने निस्वार्थ भाव से देश की सेवा की और भाईचारे की सबसे बड़ी मिसाल कायम की। सलामी उन सभी बहादुर सेनानियों को दी जाती है जिन्होंने मातृभूमि की रक्षा और राष्ट्र की अखंडता को बनाए रखने के लिए अपना सब कुछ त्याग दिया है। हम भी उन तमाम सैनिकों को सलाम करते हैं जिनके हौसलों और हिम्मत के दम पर आज हम बेखौफ अपने देश में रह पा रहे हैं, हर मुसीबत में उनका साथ पा रहे हैं। भारत माता की जय। भारत माता के वीरों की जय।